हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कचौड़ी। आप देख सकते हो कचौड़ी कितना क्रिस्पी है और अंदर का मसाला भी अच्छे से दिख रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक बाउल में एक कप मूंग दाल लेना है और उसे पानी डाल के 30 मिनट के लिए भिगो के रखना है। 30 मिनट हो चुके हैं, मूंग दाल जो है हमारा अच्छे से भीग चुका है। अब इसमें से हम पानी निकाल देंगे। अब एक मिक्सर का जार ले लेंगे और उसमें भीगा हुआ मूंग दाल डाल देंगे। इसमें हमने दो हरी मिर्च भी डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हो मूंग दाल का अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, तो इस तरह से आपको ग्राइंड कर लेना है। अब एक बाउल में हम 2 कप मैदा ले लेंगे, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 3 से 4 टेबलस्पून गरम किया हुआ घी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेना है और डव के शेप में बना लेना है। आप देख सकते हो हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इस आटे को हम 20 मिनट के लिए आराम करने देंगे। फ्लेम पे हमने पैन रख दिया है और उसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हमें 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच नमक डाल देना है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देना है और इसे एक बार मिक्स कर लेना है। अब हम पैन में ग्राइंड किया हुआ मूंग दाल डाल देंगे और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स होने के बाद हमें इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल देना है ताकि इसमें थोड़ा सा मीठा सा टेस्ट भी आ जाए। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कचौड़ी का मसाला हमारा बनके तैयार है। अब गैस फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो आटा जो है हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे पीस निकाल के ऐसे गोले बना लेंगे। एक गोला हमने ले लिया है, इसे हमें रोटी की तरह बेल लेना है। इसे हमें मोटा ही रखना है। अब इसमें हम मसाला भर देंगे और इसे सिर्फ बाहर से अच्छे से बंद कर देना है। अब इसे हम ऐसे दबा देंगे और फिर से बेलन से बेल देंगे। एक कचौड़ी हमारा बनके तैयार है। तो इस तरह से हमें बाकी कचौड़ी भी बनके तैयार कर लेने हैं। अब इन्हें हम तेल में तल लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हमें कचौड़ी छोड़ देना है
और इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। बीच बीच में हमें इन्हें पलटते भी रहना है ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हो कचौड़ी जो है हमारे फूल रहे हैं और अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम तेल में से निकाल लेंगे और ये खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।